ओके हेलो एम एमएससी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए हमने हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट की थी फोटो केमिस्ट्री और फोटो केमिस्ट्री में भी पर्टिकुलरली हम लोग कंपाउंड की फोटो केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं ओके तो कार्बोनाइल कंपाउंड की जब हमने फोटो केमिस्ट्री डिस्कस की तो मैंने आपको बताया था यहाँ हम रिएक्शन डिस्कस करने वाला है वो फोटो केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाला है जो कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर देखी जाती है जिनमें फर्स्ट रिएक्शन आपकी होती है नॉर्स्ट रिएक्शन तो हमने मैंने आपको किया लास्ट लेक्चर पर जब मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट प्रोवाइड किया था तो मैंने आपको नॉर्स्ट रिएक्शन का जब इंट्रोडक्शन दिखाया था तो मैंने आपको वही बताया था कि आपके जो नॉर्स्ट रिएक्शन है वो आपकी क्या होती है देखो मैं वापस से बोल रू यहाँ लिखा हुआ है जो आपकी नॉर्स्ट रिएक्शन होती है जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ये एक टाइप के फोटोकेमिकल रिएक्शन तो है बट ये फोटोकेमिकल रिएक्शन पर्टिकुलरली आपके कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कीटोन एंड एलडीहाइट में देखी जाती है तो ये नॉर्ट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने

डिस्क्रिप्शन बॉक्स शेयर कर दूंगी अगर आपने फर्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज रिएक्शन देखनी है तो आप वहां से देख सकते हैं तो अभी हम पर्टिकुलरलीमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल का वो है आज हम उसी, तरीके से, जैसे हमने थी, उसी सिमिलर तरीके से हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ नॉलेज रिएक्शन डिस्कस करने बहुत ज्यादा सिंपल है ओके तो बहुत ज्यादा सिंपल है मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो देखिए फर्स्टली तो आपको यहाँ

कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट रिएक्शन है इसको हम लोग क्या है दो पार्ट में डिवाइड करता है दो सब डिवीजन इसके रहता है एक होता है फर्स्ट टाइप टाइप रिएक्शन रिएक्शन एक होता है सेकंड और ये दोनों ही रिएक्शन को हमने डिस्कस करना है थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है कि ये जो आपकी नॉर्थ ईस्ट रिएशन है ये कहा से आई है तो इनका जो नाम है नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट टाइप रिएक्शन नॉर्थ सेकंड टाइप रिएक्शन इनकी डिस्कवरी जिन साइंटिस्ट ने की थी उनके नेम पे बेस्ड है और उनका नाम है आपका रोनाल्ड जॉर्ज रेप फॉर तो ये जो आपके साइंटिस्ट है इन्होंने फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन को डिस्कस किया था ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जो एलरी

हम पर को एक बार ड्यूटेरियम का केस भी देखेंगे ठीक है अभी ड्यूटेरियम का केस क्या अभी जिस सोचे मैं आपको नीचे लेके जाऊंगी तब हम डिस्कस करेंगे तो देखो अभी हम पर्टिकुलरली स्टार्ट कर लेते हैं नॉरिस टाइप रिएक्शन क्या होती है तो देखिए इनके थ्योरी पे जाने से पहले कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है थ्योरी वगैरह क्या है उससे पहले मैं आपको रफली बता देती हूँ कि नॉरिस टाइप सेकंड में आपने करना क्या होता है ठीक है उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगी तो देखो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ समझाती हूँ आपको समझ पाएगा तो देखो हमको पता है नॉरिस टाइप रिएक्शन करा रहे हैं तो नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन में हमारा रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या होगा रिएक्शन है तो हमको एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल लेना होगा तो रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या होगा नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन में तो नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन में भी हमारा रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या होगा कार्बोनाइल कंपाउंड क्योंकि हमें पता है नॉरिस रिएक्शन जो एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन है इस रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल होता है वो हमारे क्या होता है कार्बोनाइलोनाइल सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके रिएक्टेड मॉलिक्यूल के पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होती है वो ये होती है कि आपके रिएक्टेड मॉलिक्यूल यानी कि आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में गामा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए गामा पोजिशन में हाइड्रोजन

दिया है, जिसके पास गामा हाइड्रोजन है तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के ऊपर आप क्या करा सकते हैं सेकंड सेकेंड करा सकते हैं अगर यहाँ हाइड्रोजन के बदले अगेन आर ग्रुप होता तो ऐसे का ये भी आपका कार्बोनाइली कंपाउंड है बट इसमें आप कभी भी टाइप सेकेंड रिए नहीं करा सकते इतना आया तो पहली कंडीशन ये है कि आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो गामा पोजिशन में हाइड्रोजन एटम हो ओके तो अगर आपने अपना रिएक्टेड मॉलिक्यूल ले लिया तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा आपको पता है क्योंकि क्योंकि ये एक टाइप की मैं इनको इरेज कर देती ठीक है आपको पता है क्योंकि ये जो रिएक्शन आप करा रहे हैं नॉरिस फर्स्ट एंड नॉरिस रिएक्शन वो एक नॉर्थ से फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो अब आप यहाँ पर को क्या कराएंगे अपने फोटोन्स की प्रेजेंस दिखाएंगे यानी कि एच न्यू की प्रेजेंस यहाँ पर रिएक्टेड मॉलिक्यूल में शो करेंगे ठीक है और आपको पता है जैसे आपका एच न्यू आपका जो है वो आपके मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, हो जाता है, करता और, में चला जाता है. और आपको पता है, आपकी ग्राउंड स्टेट में चला गया और आपको पता है, ये जो आपके है, ये क्या हाईली अनस्टेबल है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से क्या है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है यानी कि अब क्या होगा आपके एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बोनइल कंपाउंड चला गया इसमें क्या होगा कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कुछ चेंज देखने

टाइप रिएक्शन के अंदर फर्स्टली आपको क्या देखने को मिलेगा गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था रिएक्टिव मॉलिक्यूल के पास गामा हाइड्रोजन होना ही चाहिए तो वो गामा हाइड्रोजन का यूज आता है आपके फर्स्ट में होता क्या है जैसे आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और रिएक्टिव होने की वजह से वहां आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपका गामा पोर्शन में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इसको क्या किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है इसको क्या किया जाता है चुराया जाता है

ये कार्बोनल ग्रुप में जो कार्बन है ये फर्स्ट है उसके बाद ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ तो देखो पहली और फोर्थ पोजीशन में आपको रेडिकल मिल लेना बस वन फोर बाय रेडिकल आपको मिलता है तो पह, अब जब आपको क्या है फर्स्ट स्टेप के थ्रू ये बाय रेडिकल ऑप्टेन हो जाता है तो देखिए वन फोर बाय रेडिकल पे तो हम रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहां तो हमें रेडिकल मिला है और हमें पता है रेडिकल्स तो क्या होता है इंटरमीडिएट होता है और इंटरमीडिएट क्या होता है हाईली रिएक्टिव होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं तो अगर ये स्पेसिज आपके अनस्टेबल है तो यहाँ पे तो रिएक्शन फिनिश करेंगे नहीं अब हमने क्या करना होगा रिएक्शन को आगे बढ़ाना होगा अब आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है आपके पास दो पाथ होते हैं यानी कि आप दो कंडीशन फॉलो करा सकते हैं कंडीशन ए कंडीशन बी दोनों वैसे कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं और अपने 14 बाय रेडिकल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अब बात आती है कि आप यहां पर कंडीशन ए फॉलो करेंगे या कंडीशन बी फॉलो करेंगे तो मैं आपको वो आगे बताऊंगी कि कब आप कंडीशन ए फॉलो करेंगे कब आप कंडीशन बी फॉलो करेंगे ठीक है तो देखो अभी जैसे इतनी चीज सुनिए कि अगर आपको आपको बाय मिलता है और आप कंडीशन ए को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा तो देखिये जब भी आप कंडीशन ए को फॉलो करते हैं तो आपको एक इनॉल और एक एल्किन एज अ प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है ओके और कैसे मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है आप वन फोर बायोरेटिकल जो आपको ऑपरेट हुआ है इसमें आप बीटा क्लीविस कराइए बीटा क्लीविस मतलब जो आपकी

इलेक्ट्रॉन सी वे और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं एक बॉन्ड तो होगा क्या हम इन दोनों बॉन्ड को कंबाइन कर देंगे इन दोनों रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करने की वजह से हमेशा हमको एक फोर मेंबर्ड रिंग मिलेगी सब्सिट्यूटेड रिंग मिलेगी सब्सट्यूशन आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन रिंग आपको हमेशा ही फोर मेंबर्ड मिलेगी तो हमको क्या आफ्टर रिएक्शन फोर मेंबर्ड रिंग मिलेगी जिसे मैं बोला है सब्सट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन तो आपको मिलेगा तो साइक्लोब्यूटेन बस सब्सट्यूटेड मिलेगा और वो कैसा सब्सट्यूशन है वो डिपेंड करता आप किस टाइप का रिएक्टिव मॉलिक्यूल ले रहे हैं

क्या बताती है वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया अब मैं आपको पर्टिकुलरली थ्योरी और डेफिनेशन पे लेके जाती हूँ करके देखेंगे इतना हुआ तो चलिए डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है वो सुनिएगा ठीक है तो देखिए फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन पे मैं आपको बात करा हम इसकी थ्योरी वगैरह पे डिस्कशन लेंगे तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है सुनिएगा पॉइंट टू पॉइंट में आपको डिस्कस कराऊंगी तो ये बोल रहा है वंस पॉजिंग अ गामा हाइड्रोजन एटम अंडर अ इंटरेस्टिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज अ नॉरिस्ट रिएक्शन ओके नॉरिज सेकंड टाइप रिएक्शन

टना कर लेंगे उसके बाद क्या लिखा ये है यह बोरा विच रिजल्ट टू हुआ फॉर्मेशन ऑफ ए And okay, तो उसके बाद क्या होगा इस इंटरेस्टिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन इस नॉर्स सेकेंड टाइप रिएक्शन की वजह से आपको फाइनली रिजल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो वो क्या मिलता है तो बुरा एज ए रिजल्ट आपको ऑलिफिन और इनॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है यानी कि प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है ऑलिफिन और इनोल जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा है कि आपको एक ऑलिफिन मिला ऑलिफिन मिला ऑलिफिन मतलब एल्किन मिला एक आपको क्या मिला इनोल मिला तो इसी दोनों प्रोडक्ट की यहाँ पर बात की गई है ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है ये बोल

अब आगे क्या बोल रहा है उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है विच क्लीव यानी कि बीटा टू है एंड और उसके बाद क्या होता है आपको बीटा देखने को मिलती है बीटा मतलब बीटा क्लिविसन में आपको देखने को मिलेगी और उस क्लिविस की वजह से आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेंगे ऑलिफिन एंड इनॉल जिसकी बात हमने की थी तो ये क्या बोल रहा है रिएक्शन में हुआ क्या सबसे पहले इनिशियली हाइड्रोजन का एब्सट्रेक्शन हुआ गामा हाइड्रोजन के एबस्ट्रक्शन की वजह से वन फोर बायोडिकल मिला वन फोर बायरेडिकल में जब आपने बीटा क्लीविस कराए तो

एक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है फोटोकेमिकल इंटरमोलिकुलर देखो ये इंटरमोलिकुलर नहीं होगा ये आपका क्या होगा इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या होता है विदिना मॉलिक्यूल तो अभी मैंने आपको जब मैके बताई तो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है गामा पोजिशन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका एबस्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है किसके थ्रू कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके थ्रू इसका मतलब जिसका एबस्ट्रेक्शन हो रहा है जो है आपका हाइड्रोजन एटम और जिसके थ्रू हो रहा है जो है आपका ऑक्सीजन एटम ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो प्रेजेंट है इसका मतलब ये जो प्रोसेस चल रही है वो विदिना मॉलिक्यूल चल रही है इस वजह से हम इसे इंटर ना बोल के इंट्रामोलिकुलर

तो आपको पता चलेगा तो यहां आपने क्या किया बीटा क्लिविस करके रिअरेंजमेंट किया और आफ्टर रिअरेंजमेंट आपको क्या मिला इनोल और एल्किन मिला लेकिन ये क्या बोल रहा है बट ऑन इंट्रामोलिकुलर देखो यहां इंट्रामोलिकुलर लिखा है ये बोल रहा है बट ऑन इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन लेकिन अगर आप क्या करेंगे इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो आपके दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा साइक्लोब्यूटेन देखने को मिलेगा तो यहां पे इन दोनों में से कोई भी कंडीशन प्रोसीड हो सकती है प्राइमरी फोटो प्रोडक्ट के बाद तो आपने अगर रिअरेंजमेंट किया तो आपको ये दोनों मिले यानी कि ऑलिफिन और आपको इनोल मिला लेकिन अगर आपने क्या किया इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन किया यानी कि साइक्लाइजेशन किया इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन

कार्बन रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल यानी कि हुआ क्या यहाँ पे आपने ये पाई बॉन्ड को तोड़ा और ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद आपके ऑक्सीजन में एक रेडिकल आया और कार्बन के ऊपर एक रेडिकल आया ओके okay, अब आपका ऑक्सीजन के पास एक रेडिकल है यानी कि अब ये किसी दूसरे रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाने को तैयार है अब अगर ऑक्सीजन के पास रेडिकल है ये किसी के साथ दूसरे ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा दूसरे रेडिकल के साथ ही तो बनाएगा तो आपको क्या करना है हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कराना है तो हाइड्रोजन के ऊपर भी रेडिकल लाना होगा तो कैसे रेडिकल लाएंगे इस कार्बन और हाइड्रोजन का

फोटो प्रोडक्ट यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्राइमरी प्रोडक्ट आपको यह मिला और इसे आप बोल सकते हैं प्राइमरी फोटो प्रोडक्ट जो कि आपका क्या है हैडिकल इतना बना अब वन फोर बायोरेडिकल तो पहला स्टेप था अब आप क्या करेंगे इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे स्टेप सेकंड से तो स्टेप सेकंड में आप दो पाथ को फॉलो करते हैं आइधर बीटा क्लीविस कराते हैं आइधर साइक्लाइजेशन कराते हैं तो बीटा क्लिविस कैसे हुई देखो बीटा क्लीविस मतलब बीटा पोजिशन में आपने क्लीविस करानी और क्लीविस अगेन आपकी कैसी होगी होमोलाइटिक्लीविस तो पहले आप बीटा ढूंढिए बीटा पोजिशन क्या हुई देखिए अल्फा पोशियन ये आपके बीटा पोजिशन तो आप यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में क्या कराएंगे कराएंगे तो देखो हमने बीटा क्लीविज यहाँ पे कराई अब क्लीविज अगेन आपकी कैसी होगी होमोलाइट्रिक क्लीविज होगी यानी कि यहाँ भी आपको क्या मिलेंगे दो रेडिकल यानी कि जो दो एक बॉन्ड में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने आइटम के पास चले जाएंगे तो कार्बन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया तो देखो कुछ ऐसी स्पीसीज आपको मिलेगी अब है क्या आपके दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो अब आप क्या करोगे इन दोनों को कंबाइन करके बॉन्ड बना दोगे इन दोनों को कंबाइन करके बॉन्ड बना दोगे तो देखो आपको क्या प्रोडक्ट मिला आपको मिला आर आर के साथ carbon, carbon के carbon, और क्या मिला? बोला जाता है अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो इनोल एज अ प्रोडक्ट तो हम इन पर ही बात खत्म कर रहे हैं ये बना आपका इनोल और अगर आप इसे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा ये यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसके साथ आपके दो आर ग्रुप आपको दिखेंगे तो देखो दो आर ग्रुप तो हमको मिल गया इनॉल और आपका ऑलिफिन ठीक है तो ये हमको कब मिला जब हमने बीटा क्लिविज कराई यानी कि कंडीशन फर्स्ट अगर हमने लगाए तब हमको ये प्रोडक्ट मिला ओके अगर मैं यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट ना लगा के कंडीशन सेकंड लगाऊ कंडीशन सेकंड आपको क्या बोलती है रेडिकल है इसे आप कंबाइन कर दो यानी कि यहां पे हम क्या कराते हैं साइकलाइजेशन यानी कि दोनों रेडिकल्स को कंबाइन करा देते हैं तो आप खुद ही देख लीजिए अगर ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आपको कितनी मेंबर की रिंग मिलेगी हमेशा फोर मेंबर की क्योंकि पहले और फोर्थ पोजिशन में रेडिकल बना था तो इसे आप कंबाइन करोगे तो हमेशा फोर मेंबर की

भी लगाएंगे तो आपने कुछ नहीं करना आपने जस्ट ये पॉइंट्स को माइंड पर रखना अपने तीन पॉइंट्स को माइंड पर रखना है तो ये तीन पॉइंट्स आपको क्या बोल रहा है पहले सबसे पहले ये बोल रही है कि अगर आप देखो सारी चीजें क्या होती है आपके अल्फा पोजिशन पे बेस्ड होती है कि आपकी रिएक्शन कंडीशन ए को फॉलो करेगी या कंडीशन बी को फॉलो करेगी ये डिपेंड करता है आपके अल्फा कार्बन एटम पर यानी कि अल्फा कार्बन एटम क्या है ये है तो ये आपके अल्फा कार्बन एटम कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन कंडीशन ए को फॉलो करेगी या कंडीशन बी को ओके कैसे फॉलो करेगी मैं आपको बताती हूँ देखिए ना आपका जो ये अल्फा कार्बन एटम है इसने कितने बॉन्ड बनाया आपको पता है इसने एक बॉन्ड यहाँ से बनाया एक बॉन्ड यहाँ से बनाया इसका मतलब इसने

कि अल्फा पोजीशन में अगर दोनों ही ग्रुप आपके हाइड्रोजन एटम है देन आप कंडीशन ए को फॉलो और और अगर, अगर आर बदले एक तो हाइड्रोजन हो और दूसरा आपका अल्काइल ग्रुप हो मतलब एक आपका हाइड्रोजन हो और दूसरा आपका क्या अल्काइल ग्रुप हो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो तो उस केस में भी आप कंडीशन ए को ही फॉलो करेंगे यानी कि उस केस में भी आप बीटा क्लिविस कराएंगे और आफ्टर रिएक्शन किसको

होगा और साइक्लाइजेशन होने के बाद आपको साइक्लोब्यूटेन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा तो ये आपको तब देखने को मिलेगा, जब आपके दोनों ही आर ग्रुप दोनों ही आर ग्रुप है वो दोनों ही आप साइक्लाइजेशन कराएंगे तो हम अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में आपको बीटा कि कंडीशन ए को फॉलो करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका अल्फा कार्बन एटम है इसमें कोई भी ग्रुप नहीं

वो आपको मेजर मिलेगा क्यों क्योंकि इस केस में जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ उसमें आपको अल्फा पोजिशन में जो आर ग्रुप है वो दोनों ही क्या मिलेंगे बल्कि मिलेंगे यानी कि अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे जिस वजह से आपको पता चलेगा कि नीचे में जो आपको रिएक्शन दिखाऊंगी वो नॉरिस सेकेंड टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म ना करने के बजाय क्या करेंगे साइक्लिक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे कैसे करेंगे आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ देखिए यहाँ पे जो है मैं अब आपको जो जोजाम्पल डिस्कस कराने वाली हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग दो चीजों को क्लियर करेंगे पहली चीज ये कि हमने जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जब आप नॉरिस सेकेंड टाइप रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल के पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है वो ये कि उसके गामा पोजिशन में क्या होना चाहिए हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए तो अगर अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम रख दू तो कैसे यहाँ पे नॉरिस सेकेंड टाइप की रिएक्शन प्रोसीड होगी साथ ही साथ अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपका नॉरिस टाइप के प्रोडक्ट यानी कि इनॉल और ऑलिफिन के बदले यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट बनने वाला है तो मैंने आपको तीन कंडीशन बताई उन्हीं तीन कंडीशन को अब आप यहाँ

ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड सिंस द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये बोल रहा है पहले मैं आपको के आपको के थ्रू नीचे लेके तो देखो ये आपका क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड है क्यों है ये कार्बोनाइल क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें क्या है सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड हमारी नॉरिस सेकंड टाइप रिएक्शन के लिए प्रिफर करता है यानी कि इसको हम एज ए रिएक्टेड मॉलिक्यूल ले सकते हैं इसका पता हमें कैसे चला अगर हमने यहाँ पे नंबरिंग की हमको पता चला ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ इसकी अल्फा पोजिशन ये है इसके बीटा पोजिशन ये है और इसकी गामा पोजिशन क्या है ये वाली है ठीक है तो ये इसकी गामा पोजिशन हुई अब गलत बना

और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट हाईली रिएक्टिव स्टेट होती है तो उस रिएक्टिव स्टेट में अब पर रिएक्शन होगी रिएक्शन क्या होगी यहाँ किया जाएगा बाय दिस ऑक्सीजन तो कैसे होगा क्योंकि हमें पता है 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 हमने रिएक्शन में जो कंडीशन दी दी वो आपकी कैसी रेडिएशन की दी है तो रेडिएशन की, तो की वजह से जो क्लीवेज होगी आपको पता है वो होमोलाइटिक की होगी तो सारी चीजें आपकी बिल्कुल रिलेट कर रही है आपको कुछ नहीं करना है अब आप क्या करेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज करा देंगे एक बार यहाँ पे और एक बार आपकी इसके पाई बॉन्ड पे तो देखो क्लीवेज होगी तो आपको पता है क्लीविज कराने की जरूरत तो है नहीं आप डायरेक्टली बोल सकते हैं में आपको क्या मिलते हैं रेडिकल्स तो आपको एक यहाँ पे ड्यूटेरियम का रेडिकल मिलेगा एक कार्बन का रेडिकल और यहाँ पे ऑक्सीजन का रेडिकल एक कार्बन का रेडिकल अब होगा क्या आपने एब्सट्रेक्शन करानाटेरियम का तो ये ड्यूटेरियम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के कैसे होगा इन दोनों में जो रेडिकल है वो कंबाइन हो जाएंगे और एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे तो जैसे ऊपर वाले केस में हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था उसी के सिमिलर यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड बाकी चीजें आपकी एज इट इज है बस यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड मिला ओके अब देखो ये जो आपकी स्पीसीज बनी इसे आप वन फोर बाय रेडिकल बोलोगे क्यों बोलोगे क्योंकि पहले कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे आपको रेडिकल मिला है इससे आप बोलोगे वन फोर बाय रेडिकल और पहले स्टेप के प्रोडक्ट में जो आपको वन फोर रेडिकल मिलता है इससे आप क्या बोलते हैं प्राइमरी फोटो प्रोडक्ट यानी कि इस फोटोकेमिकल रिएक्शन से जो आपको प्राइमरी प्रोडक्ट मिला वो है बाय रेडिकल मैंने यहां भी बोला था ये आपका क्या होता है प्राइमरी फोटो प्रोडक्ट ये बाय रेडिकल क्या है प्राइमरी फोटो प्रोडक्ट ओके अब अब ये क्या बोल रहा है देखो आप आप इस बाय रेडिकल को अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो ये बोल रहा है कि आपको ये चीज पता है कि अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे और ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो इन दोनों बॉन्ड को अगर आप इनके क्लीविस की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन

ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड एंड सिंस मोर एनर्जी इज़ टू ब्रेक इट किसके कंपेयर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपेयर में यानी कि ये वाली कंडीशन पे इस कंडीशन पे जब आप ड्यूटेरियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो ड्यूटेरियम के केस में ऑक्सीजन ड्यूटेरियम के बॉन्ड को क्लीव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के में कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है ज्यादा स्मूथली प्रोसीड करेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में क्या हुआ? जब आप क्या है अपनी गामा पोजिशन में हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन लेने की वजह से क्या होगा आपको ऑक्सीजन

तो देखो बीटा क्लीविज नहीं है तो यहां पे क्या होगा आपका साइक्लाइजेशन साइक्लाइजेशन पे आप क्या करेंगे बस इन दोनों रेडिकल को पहली और फोर्थ पोजीशन के रेडिकल को कंबाइन कर देंगे और आपको एक फोर मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी चार कार्बन है चार मेंबर रिंग मिलेगी जिसे आप बोलोगे साइक्लोब्यूटेन बट आपका जो साइक्लोब्यूटेन होगा वो क्या होगा सब्सट्यूट यानी कि यहाँ पे अलग अलग सब्सटूशन लगा होगा तो देखो सब्सट्यूशन कैसे लगा आपकी फोर्थ पोजिशन में क्या है ड्यूटेरियम और मिथाइल ग्रुप तो फोर्थ पोजिशन में आपने क्या सॉरी ये फोर्थ पोजिशन इस फोर्थ पोजिशन में आपने क्या लगाया ड्यूटेरियम और मिथाइल ग्रुप उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है दो हाइड्रोजन तो आपने दो हाइड्रोजन लगाया

Bye.